हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि क्लोज टेस्ट को हम किस तरीके से आसानी से और एक्यूरेटली हम सॉल्व कर सकते हैं सभी बैंकिंग एग्जाम्स में और सभी एसएससी एग्जाम्स में। इस समय एसएससी एग्जाम्स में भी काफ़ी अच्छे स्तर के क्लोज टेस्ट पूछे जा रहे हैं और बैंक पीओ और बैंक क्लर्क एग्ज़ाम में भी थोड़े से टेक्निकल लेवल के क्लोज टेस्ट पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह का क्लोज टेस्ट हम यहाँ डिस्कस करेंगे, लेकिन इस क्लोज टेस्ट को डिस्कस करने से पहले इस ग्रेट ऑफ़र के बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये ग्रेट ऑफ़र केवल और केवल 30 जून 2018 तक ही वैलिड रहेगा, रात के 10 बजे तक। और इसमें आप हमारे सभी ई कोर्सेज पर ₹1000 का डिस्काउंट आप ले सकते हैं। जैसे बैंक पीओ का ई कोर्स यदि आप ज्वाइन करते हैं तो ये कोर्स ₹2450 इसकी फ़ीस है, लेकिन ₹1000 डिस्काउंट करने के बाद आप इसको ₹1450 में ज्वाइन कर सकते हैं। उसी तरीके से IBPS क्लर्क के लिए 950, SSC के लिए 1450, और यदि आप कॉम्बो पैक ज्वाइन करना चाहते हैं बैंक पीओ क्लर्क और SSC के लिए तो उसको केवल ₹2950 में आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर सारे डिटेल मेरे दिए हैं, मेरा फ़ोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पर दिया हुआ है। इन सभी कोर्सेज के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से इन सभी ई कोर्सेज को आप इंग्लिश के लिए और करंट अफेयर्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। केवल इंग्लिश का इसमें आपको फ़ीस देना है, करंट अफेयर्स इसमें फ्री है और इसमें ई बुक और PDF भी आपको फ्री प्रोवाइड की जाती हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्लोज टेस्ट को। देखिए यहाँ से ये शुरू है क्लोज टेस्ट और किस बारे में है। देखिए यहाँ पर कुछ कीवर्ड सबसे पहले आपको देखने होते हैं, उन कीवर्ड की मदद से आपको अंदाज़ा लग जाता है कि किस बारे में है ये। देखिए यहाँ पर दिया है एक वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, यहाँ पर दिया है प्लास्टिक वेस्ट, ठीक है। तो इसमें एनवायरनमेंट और पॉल्यूशन के बारे में बात की गई है। यहां पर दिया है गवर्नमेंट, यहां पर दिया है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे और यहां पर दिया है प्लास्टिक वेस्ट, ठीक है। तो प्लास्टिक वेस्ट के बारे में, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में इसमें बात की गई है। एज ए मेजर ऑफ प्लास्टिक वेस्ट दैट एंड अप इन द ओशंस, जो प्लास्टिक वेस्ट निकलता है वो कहां पर जाके मिल जाता है। एंड अप का मतलब है कि वहां पर जाकर वो मिल जाता है, वहां पर जाके वो खत्म हो जाता है। तो ओशंस यानी समुद्र में जाके प्लास्टिक वेस्ट मिल जाता है, ठीक है। और मेजर, मेजर मतलब बहुत बड़ा, तो मेजर के साथ यहाँ पर क्या वर्ड जुड़ सकता है। अब इसमें देखिए किस तरीके से आपको एनालाइज करना है। इसमें दिया है ऑर्गेनाइजर, जनरेटिंग, प्रोड्यूसर, इंपोर्टर और ऑपरेटर। तो मेजर क्या होगा, मेजर यानी बहुत बड़ा क्या होगा, बहुत बड़ा या तो ऑपरेटर होगा। मतलब यहाँ पर जैसे यदि मैं बोलूँ आपसे कि मेजर एक्टर या मेजर राइटर या मेजर टीचर, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक नाउन चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना होता है कि यहाँ पर नाउन चाहिए कि एडजेक्टिव चाहिए। तो यहाँ पर चूंकि आपको नाउन चाहिए तो नाउन कौन कौन सी हैं इसमें, जनरेटिंग जो है वो नाउन नहीं है, इसलिए जनरेटिंग इसमें नहीं आएगा, ठीक है। अब प्लास्टिक वेस्ट को हम क्या करते हैं, प्लास्टिक वेस्ट को हम ऑर्गेनाइज नहीं करते। ऑर्गेनाइजर ऑफ प्लास्टिक वेस्ट यदि आप बोलते हैं तो गलत होगा ये, क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं है। ऑर्गेनाइजर ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, जनरेटिंग ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, ठीक है, इंपोर्टर ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट को इंपोर्ट नहीं किया जाता है, या ऑपरेटर ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। तो ये चारों ऑप्शंस देखिए इसमें गलत हैं और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रोड्यूसर ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक वेस्ट को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको हम जनरेट नहीं करते, उसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर सी, एज ए मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्लास्टिक वेस्ट दैट एंड अप इन द ओशंस इंडिया इज। अब यहाँ पर इंडिया की बात हो रही है कि इंडिया जो है वो मेजर प्रोड्यूसर है प्लास्टिक वेस्ट का, ऐसे प्लास्टिक वेस्ट का जो ओशन में जाके खत्म हो जाता है, ठीक है। इंडिया इज, इंडिया इज, अब यहाँ पर लिखा है बेस्ट प्लेस टू वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, मतलब इंडिया इस सारी चीज़ों को देखते हुए कि इंडिया जो है वो प्लास्टिक वेस्ट का मेजर प्रोड्यूसर है, इस चीज़ को देखते हुए इंडिया जो है वो बेस्ट प्लेस है किसके लिए, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के लिए। तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, यहाँ पर यदि आप टू देखें, ये टू, तो इस टू को देखते हुए यहाँ पर आपको फर्स्ट फॉर्म चाहिए, यहाँ पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या अवेलेबल हैं। देखिए ऑप्शन में, सेकेंड ऑप्शन में अवेलेबल हैं रैपिडली, कन्वर्टेबली, नंदलेस, नेवरदलेस और आर्ग्यूबली। तो इंडिया इज द बेस्ट प्लेस, यदि हम आर्ग्यू करें, यदि हम इस चीज़ पर आर्ग्यूमेंट करें तो इंडिया एक बेस्ट प्लेस हो सकता है या हो या है किसके लिए, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो यहाँ पर आपको क्या वर्ड चाहिए, यहाँ पर आपको एक तो फर्स्ट फॉर्म चाहिए,
और एक ऑर्गेनाइज, कंडक्ट या होस्ट, इस तरह का यहाँ पर एक वर्ड चाहिए आपको। और यहाँ पर देखिए क्या वर्ड आएगा कि यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा सेकेंडली, सेकेंड में वो होगा आपका आर्ग्यू, आर्ग्यूएबली। आर्ग्यूएबली मतलब कि यदि आप आर्ग्यू करें तो इंडिया एक बेस्ट प्लेस हो सकता है किस चीज़ के लिए, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइज सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको फर्स्ट फॉर्म चाहिए और ऑर्गेनाइज में फर्स्ट फॉर्म नहीं है, तो इसलिए ऑर्गेनाइज नहीं आ सकता। अब ऑर्गेनाइज का इक्विवेलेंट सेकेंड वर्ड कौन सा है जो कि इसका इक्विवेलेंट है और फर्स्ट फॉर्म में है, वो वर्ड है इसमें, वो वर्ड है इसमें होस्ट। ठीक है, तो थर्ड में आपका जो आंसर होगा वो होगा होस्ट, और सेकेंड में आपका आंसर जो होगा वो होगा आर्ग्यू एबली, और यहाँ पर आंसर होगा आपका प्रोड्यूशन। ठीक है, इस तरीके से एनालाइज करके क्लोज टेस्ट को आपको फिल करना होता है। क्लोज टेस्ट जो होता है वो आपका कॉम्प्रिहेंशन का, वोकेबलरी का और लॉजिक, इन तीनों का ही टेस्ट होता है। यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर हर्षवर्धन हैज सेड दैट द गवर्नमेंट मींस बिजनेस। क्या मतलब है इस लाइन का? इस लाइन का ये मतलब है कि यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर जो है हर्षवर्धन, जिनका नाम है, उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट मींस बिजनेस, मतलब गवर्नमेंट जो है इस बारे में सीरियस है। गवर्नमेंट मींस बिजनेस का मतलब है कि बिजनेस का मतलब होता है कि वो सीरियस है इस बारे में। ठीक है, एनवायरमेंट का जो इशू है इसके बारे में वो सीरियस है। एंड द यूएन थीम बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। देखिए यूनाइटेड नेशन जो है वो थीम बनाता है, तो इस बार का जो पोल्यूशन है, इस बार का जो एनवायरमेंट डे है, उसका उसका जो स्लोगन है वो है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। 2018 का जो स्लोगन है एनवायरमेंट का वो है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि ये एनवायरमेंट का जो इशू है ये केवल एक इशू नहीं रहेगा, हम इस बारे में सीरियस हैं, और वर्ल्ड एनवायरमेंट बीट प्लास्टिक पोल्यूशन विल नॉट रिमेन एन स्लोगन। क्या मतलब निकल रहा है? अब यहाँ पर आप कॉमन सेंस यदि आप लगाएं तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि हर्षवर्धन ने कहा है कि यूएन की जो थीम है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, वो केवल थीम ही नहीं रहेगी, वो केवल स्लोगन ही नहीं रहेगा, उस पर काम भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आप देखें तो ऑप्शन में है, देखिए यदि आप बोलते हैं कि फेमस स्लोगन, कोई मतलब नहीं है फेमस स्लोगन का, क्योंकि यहाँ पर आपको जो सेंस निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि यह केवल केवल एक स्लोगन नहीं रहेगा, इस पर काम होगा। मिक्स स्लोगन, कॉम्प्लेक्स स्लोगन, फुल स्लोगन और एम्प्टी स्लोगन। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा एम्प्टी स्लोगन। इसका मतलब निकल रहा है कि ये केवल एनवायरमेंट केवल एक स्लोगन नहीं रहेगा, एक खाली स्लोगन नहीं रहेगा, इस पर काम होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा एम्प्टी। ठीक है, हिज क्लेम वुड हैव ग्रेटर कॉन्फिडेंस हैड इंडिया टेकन इट्स ओन रूल्स ऑन वेस्ट मैनेजमेंट। अब देखिए यहां पर हम देखते हैं फिफ्थ में क्या ऑप्शन आ रहा है। हिज क्लेम वुड हैव ग्रेटर कॉन्फिडेंस, तो ग्रेटर कॉन्फिडेंस के साथ क्या वर्ड आ सकता है? फील्ड ग्रेटर कॉन्फिडेंस। फील्ड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि फील्ड के साथ कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो फील्ड इसलिए नहीं आएगा। रिवील्ड का मतलब प्रकट करना होता है, इम्बाइब का मतलब उस चीज को एब्जॉर्ब करना होता है, इंस्पायर्ड आ सकता है इसमें, फोर्स का कोई सेंस नहीं है। तो अगर सेंस आप देखें तो इसमें आपका सही आंसर होगा इंस्पायर्ड। हिज क्लेम वुड हैव इंस्पायर्ड ग्रेटर कॉन्फिडेंस हैड इंडिया टेकन इट्स। इस सेंटेंस का क्या मतलब है कि उसका जो क्लेम है, हर्षवर्धन का जो क्लेम है, उसकी वजह से एक ज़्यादा बड़ा कॉन्फिडेंस क्रिएट हो सकता था, ज़्यादा बड़ा कॉन्फिडेंस इंस्पायर हो सकता था यदि इंडिया ने अपने रूल्स को, बेस्ट मैनेजमेंट के अपने रूल्स को थोड़ा सा कैसे लिया होता, इमीडिएटली लिया होता कोई सेंस नहीं बनता, अल्टीमेटली लिया होता कोई सेंस नहीं बनता, इग्नोरेंटली लिया होता तो कोई सेंस ही नहीं बनना। तो यहाँ पर आपको क्या वर्ड चाहिए कि इंडिया ने यदि अपने रूल्स को और वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी को थोड़ा सीरियसली लिया होता तो इससे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस क्रिएट हो सकता था। तो यहाँ पर क्या वर्ड सही रहेगा? यहाँ पर आपका जो सही वर्ड होगा वो होगा सीरियसली। ठीक है, और यही सेंटेंस आपका बोलना चाहता है। बोथ द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स एंड द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ऑफ 2016 विच वर। अब देखिए यहां पर आप सेवन में देखिए, सेवन में आपका वर लगा हुआ है। इसका सिंपल सा मतलब है कि यहां पर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको जो सॉल्व करवा रहा हूँ क्लोज टेस्ट, ये रियल क्लोज टेस्ट है और SVIPO में ये पूछा गया है। ठीक है, किसी प्री एग्जाम में ये पूछा गया है। तो
यहां पर क्या आएगा, वर्क के साथ आपको क्या चाहिए, वर्क के साथ आपको थर्ड फॉर्म चाहिए। और सेवन में देखिए, सेवन में थर्ड फॉर्म जो है वो केवल बिल्ट है, बाकी सारे थर्ड फॉर्म नहीं है, इसलिए इसका आंसर केवल बिल्ट ही हो सकता है। यहां पर आया विच वर बिल्ट ऑन प्रीवियस रेगुलेशंस मोस्टली ऑन पेपर। अब देखिए रेगुलेशंस के साथ यहां पर रेगुलेशंस आया है, तो यहां पर आपको ऐसी वर्ब चाहिए जिसमें एस नहीं हो, क्योंकि रेगुलेशन में एस लगा हुआ है। जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब में हम एस नहीं लगाते, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या वर्ब चाहिए, यहां पर एक बिना एस वाली वर्ब चाहिए। और बिना एस वाली वर्ब तो वैसे इसमें स्टेज नहीं आएगा, इसमें लीप्स भी नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा रिमेन, दे रिमेन ऑन पेपर, मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं इंडिया में वो केवल और केवल पेपर पर ही हैं, रियलिटी में वो उनको इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। दे रिमेन ऑन पेपर, वो पेपर पर ही रहते हैं, यहां पर ये इसका सेंस बन रहा है। स्टेट गवर्नमेंट गवर्नमेंट्स हैव सिंपली नॉट, हैव सिंपली नॉट। अब देखिए यहां पर यदि आप देखें तो हैव आया है और हैव के साथ यहां पर आपको चाहिए थर्ड फॉर्म, तो हैव सिंपली नॉट प्रोवाइड नहीं आएगा, अवेल नहीं आएगा, ग्रांट नहीं आएगा, अलाउ नहीं आएगा, थर्ड फॉर्म केवल गिविन है। तो इसलिए इसमें आंसर आपका क्या होगा, इसलिए इसमें आपका आंसर होगा गिविन, गिविन देम द नेसेसरी। यहां पर आ जाएगा कि जो रूल्स रेगुलेशन है एनवायरमेंट के बारे में उनको थोड़ा सा स्पीड अप नहीं किया है गवर्नमेंट ने, उनको थोड़ा सा मोमेंटम नहीं दिया है। नेसेसरी के साथ यहाँ पर आपको एक नाउन फॉर्म चाहिए और नाउन जो है वो है मोमेंटम, ठीक है। तो मोमेंटम एक जनरल वर्ड है, इस तरह के सेंसेस में हम मोमेंटम वर्ड को यूज़ करते हैं। वैसे इसमें वेलोसिटी भी दिया है, लेकिन वेलोसिटी एक टेक्निकल वर्ड है, वो फिजिक्स में यूज़ होता है, इसलिए वेलोसिटी इसमें नहीं आएगा। मोमेंटम को आप जनरल सेंस में भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्लोज टेस्ट को आपको सॉल्व करना होता है। एक तो आपको लॉजिक अप्लाई करना होता है, वोकैबुलरी को सही तरीके से फिट करना होता है, ठीक है। वर्ड के दोनों तरफ, वर्ड के दोनों तरफ, जैसे ये यहाँ पर वर्ड है तो इसके दोनों तरफ जो वर्ड दिए हैं इनको भी आपको देखना पड़ता है, ठीक है। प्रपोजिशंस को भी आपको देखना होता है। तो इस तरीके से आपको क्लोज टेस्ट को सॉल्व करना होता है। और यदि एक प्रोफेशनल गाइडेंस आप लेना चाहते हैं बैंक पीयू एग्ज़ाम के लिए या एसएससी एग्ज़ाम के लिए, तो इसमें अभी हमारा ऑफ़र भी चल रहा है और इन ऑफ़र्स का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। ये नंबर है, इस नंबर पर मुझे कॉल भी कर सकते हैं और इन ई कोर्सेज को आप लिंक के थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो क्लास, यदि अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर ज़रूर आप लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। इस चैनल का नाम है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। टिल देन बाय एंड हैव एन ऑसम डे, थैंक यू।